हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिरास्थर में। आप देख सकते हैं मैं आया हूँ, ये गन्ने का ये खेत है, ठीक है। और यहाँ पर एक शीशम का पेड़ लगा हुआ है और इस पेड़ पर कुछ फलों जैसा लटका हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। भाई ये जो फल नहीं है, ये जो है कि चिड़ियाओं का घोंसला लगा हुआ है, जो कि लटका हुआ लगा हुआ है। इस टाइप के घोंसले को लटकन घोंसला बोलते हैं, ठीक है। और इस घोंसले में रहती है वीवर नाम की बर्ड चिड़ियाएँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपको कि ये जो घोंसला है लटका हुआ, इसकी डिजाइनिंग कैसे है, कैसे चिड़िया ने बनाया है और किस तरह चिड़ियाएँ इसमें रहती हैं, इसको मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। मैं चल रहा हूँ उस शीशम के पास और वहाँ से मैं घोंसले को एक लड़के को आप चढ़ाया हूँ, देख सकते हैं आप। वह उस घोंसले को, जो डैमेज घोंसला है चिड़ियाओं का, जिसमें चिड़ियाएँ नहीं रहती हैं, उस घोंसले को वह, ठीक है, मेरे को वहाँ से निकाल के देगा। मैं भाई देखो यहाँ पर इतनी चिड़िया है ना, मतलब इतनी घोंसले आपको दिख रहे हैं। मैं जो घोंसला इसमें इस समय फ़िलहाल जो फिट है, मैं उस घोंसले को टच नहीं करूँगा, मैं डैमेज घोंसले को टच करूँगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ही घोंसले लगे हुए हैं ऊपर, ठीक है। और मैं इस घोंसले को, ठीक है ना, मैं एक लड़के से कह रहा हूँ, जरा भाई देना देना, जरा भाई निकाल के उस घोंसले को, हाँ आराम से मेरे हाथ में दे दो यार, कैसे दे दो, छोड़ दो, हाँ वाह यार, इस लड़के ने मेरे को तोड़ के दे दिया। देख सकते हैं आप, ये शीशम की ये टहनी है, ठीक है। अब जो मतलब इस पौधे में पतझड़ आने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है तो पत्ती ये झड़ रहे हैं, ठीक है, फिर नए पत्ते निकलेंगे, ठीक है, मार्च के महीने में। तो आप देख सकते हैं ये वीवर नाम की चिड़ियाएँ इसमें रहती हैं। ये जो चिड़ियाएँ होती है ना, ठीक है, इनमें जो नर चिड़िया होती है वही इस घर को बनाती है और मादा चिड़िया नहीं बनाती। ये क्या करती है कि जो घास होते हैं उनकी जो पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों को लाकर और एक एक पत्ते को अपने चूस में पकड़कर और ये पेड़ों के ऊपर चढ़ के, ठीक है ना, और ये क्या करते हैं सब कि उनकी जो टहनियां हैं वहाँ पर एक एक जो पेड़ों के पत्ते हैं उनको लगा लगा के और इस घर को बनाते हैं। देखो यार, मेरे को कह दिया भाई ऐसा घर बनाओ, तो मेरे मान का नहीं है बनाना, जिस तरह इस चिड़िया ने बनाया है यार। नर चिड़िया बनाती है, उसके बाद जो मादा चिड़िया है, ठीक है, वो उसको बताता है नर कि भाई मैंने घर बनाया है, चलिए मेरे घर, ठीक है, वहाँ पर आप अंडे देना, तो मादा चिड़िया आकर इस घर को पसंद करेगी तो यहाँ रहेगी, ठीक है ना यार। कितना प्यारा सा यार, वाह यार, यार आप देख सकते हैं कि चूस से कितना बेहतरीन, ये देखो ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग की गई है भाई इसकी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि लग रहा है कि यार इसमें धागा डाल के बुनाई की गई हो, उस तरह से इसकी डिजाइनिंग है यार, आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पर पूरे टाइटली बांधा गया यार, ये तो बांधा गया यार, वाह यार, क्या यार, रियल में ये नेस्ट है यार, क्या डिजाइनिंग है यहाँ पर, वाह यार। कुछ मिट्टी भी रखे गए हैं यहाँ पर, अंडे दे चुकी है चिड़िया ऑलरेडी और यहाँ से जा चुकी है अंडा देकर, ठीक है। और ये डैमेज भाई नेस्ट था, इसीलिए मैं इसको निकाला हूँ, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। और इस तरह ये चिड़िया यहाँ पर रहती हैं, वाह यार क्या सुंदर नेस्ट है, ठीक। तो भाई कहा जाता है कि भाई इंसान कारीगर होते हैं, इंसान के पास बहुत सारी कलाएं हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, सभी जीवों के पास कला होती है, चिड़ियाओं की कला आप देख सकते हैं, चूस से एक एक इस घास के पत्ते को लेकर आई है और इस घर को नर चिड़िया ने बनाया है, वाह यार, ये नेचर है। सभी जीव अपना घर बनाते हैं, सभी रहना पसंद करते हैं अपने घर में, और ये ऊंचाइयों पर रहेंगे ना तो ये सही फायदा रहेगा ना कि भाई ये हवा में झूलते रहेंगे और इन्हें कोई जीव खा नहीं पाएगा, ठीक है, और उतनी पतले टहनी पर सांप भी नहीं चढ़ सकता इनके अंडे को खाने के लिए, इसीलिए, ठीक है, ये भाई लटके हुए, ठीक है, छत्ते पर, छत्ते कह रहे हैं कि लटके हुए घोंसले पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और यह इतना सख्त है कि बारिश भी होगा ना तो पूरा पानी जो है ना भीगने वाला नहीं, अंदर पानी नहीं जाएगा, पूरा पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतनी अच्छी सी डिजाइनिंग है। और हवा भी चलेगा तो झूलता रहेगा, झूला भी झूलेंगे सर, वाह यार। देखो भाई आपने कभी झूला झूला होगा, ठीक है, तो झूला जो होता है ना, एक रस्सी बांधी होती है और बैठने वाला होता है, बैठ कर आप झूलते रहिए, ठीक है। तो भाई ये समझ लो बांधा गया था वहाँ पर, और यहाँ पर चिड़ियाएँ झूलती हुई मज़ा लेती हैं, फिलहाल हवा चलेगा तभी झूलेंगे, बट हवा नहीं चल रहा है इस समय। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, जैसी भी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार,
बहुत मेहनत से मैंने ढूंढा है इस भाई शीशम के पौधे को, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। वैसे तो भाई मेरे कहने से या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं यार, डिसलाइक करके ही वीडियो को आप जा सकते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।